के लिए तैयार? हाँ भैया। तू कर जॉगिंग, मैं तो गाने सुन के जॉगिंग करूँगा। और क्या गाना है? मैं तो बिना गाने के भी जॉगिंग कर सकता हूँ। गाना चेंज करता हूँ, फास्ट गाना, फास्ट जॉगिंग। भैया तो बहुत तेज भाग रहे हैं, मैं तो इतना तेज भाग ही नहीं पाऊंगा। मुझे बड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन भैया तो बिना रुके ही जा रहे हैं। अब मैं क्या करूं? चलो टूटे पैर सही सही, पर भैया के साथ मैं भी जॉगिंग करूंगा। कहाँ गए भैया? अब मैं उनको कहाँ ढूंढूंगा? इस नक्शे में ढूंढ सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे कंपास की जरूरत पड़ेगी, और मेरे पास कंपास है। ठीक से चल तो रहा है, एकदम ओके। चलो ऑपरेशन भैया को ढूंढो शुरू। यहाँ से राइट, यहाँ से लेफ्ट। वह क्या बात है, बिल्ला एक ही जगह पर 10 बार गोल गोल घूम रहा है। अच्छा है, बस अब रुक जाता हूँ। नक्शे के हिसाब से यहाँ पर कोई है। ये तो आंटी है। आओ आओ आके दाने खाओ। अरे अकेले मत खाओ, सारा का सारा मेरे को भी दे जाओ। मामू बुढ़िया का प्याज उठाओ, बिल्ले के पास ले जाओ और बिल्ले मामू को फंसाओ। अरे ये किसका बैग है? मेरा बैग किसने चुराया? सॉरी आंटी, ये आपका बैग है, लेकिन इसे मैंने नहीं चुराया। तो मेरे पास कैसे आया? दोबारा दोबारा मत चुराना। आ दाने खाओ। योगी कहाँ चला गया, कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? भैया मैं तो नीचे ही था। भैया आप कहाँ हो? भैया आप किस रास्ते पे हो? भैया मैं तो थक गया, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। वैसे ये जगह कौन सी है? लगता है ये अंकल मेरी पेंटिंग बना रहे हैं। बेटा जरा स्माइल करो। ये लो, स्माइल भी कर दिया। तू मेरी जगह पे बैठा है। सॉरी, बैठिए ना। वो तो तू ना बोलता तो भी बैठ। ओए माफ, खाना किधर? चलो मैं निकलता हूँ। अरे भाई साहब, मेरा हाथ आपके तशरीफ के नीचे रह गया है। ओए माँ, झुटकी काट रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। अच्छा तो अभी मैं बहुत गलत करने वाला हूँ। अरे इस पहलवान ने तो बिल्ले का कचुम्बर बना डाला और कचरा बना कर फेंक डाला। मैं तो चिपक गया। ओए फास्ट गाना, फास्ट जॉगिंग। अच्छा पोज है। भैया मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? अब नक्शे के हिसाब से मैं कहाँ आ गया हूँ? अब तो मैं इस दीवार के पास से गुजर रहा हूँ। ये क्या है? ये नक्शा तो फटा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कॉकरोचों ने गड्ढे में गिरा दिया। कोई बात नहीं, मैं यहीं से बाहर जाने का रास्ता ढूंढूंगा। चलोगी? बढ़ता चल। रास्ता मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। ये कहाँ आ गया मैं? कौन है? मुझे आगे क्यों बिठा रखा है? छोड़ दो मुझे। यहाँ से सीधे जाने पर फिरंगी दिखेगी। फिरंगी, फिरंगी, फिरंगी तो आइसक्रीम खा रही है। फिरंगी तेरी बैंड बजाएगी। अल्लाह बोल। मेरी आइसक्रीम। ये ले मामू। ये क्या? हाय फिरंगी। ये फिरंगी की माँ नारंगी है, अब तेरी बैंड बजाएगी। तूने
फिरंगी का आइसक्रीम गिराया, ये तेरे को स्विमिंग पूल में गिराएंगे। मैं तो डूब गया। गया अभी तक नहीं बचा रहा बाबा, और बच्चा है तो हम लोग उसको खत्म कर देंगे। पता नहीं अब कहां ले जाके डुबाएंगे, पता नहीं डुबाएंगे या गोल गोल डुबाएंगे। रस्सी टूट गई और मेरा पानी का साथ भी छूट गया। भैया ओए, ये ओगी कहां उड़ा जा रहा है? भैया बिल्ला उड़ा लेकिन खुद के साथ एक बोट का भी नुकसान करके गया। अच्छा है। चलो किसी तरह बाहर तो निकला। ओए, बहुत दर्द हो रहा है यार। भैया अब आप एक काम कीजिए, ये नक्शा और कंपास लीजिए और अब मैं गाने सुनूंगा और आप मुझे ढूंढिए। बाय बाय। और ये लीजिए ट्यूब जिससे आप डूब ना पाए। चलो फास्ट करो, फास्ट जॉगिंग। मुझे उल्लू बना के निकल गया। ये आइसक्रीम खाने मामू, बाद में मार भी खानी है। अरे ये रो क्यों रही है? अरे बिल्ले उसका रोना छोड़, अपना देख, कितने सारे लोग लाइन में तुझे मारने के लिए खड़े हैं। पर मेरे पास कोई आइसक्रीम नहीं है। शार को हर वक्त अपनी नजर चौकन्नी रखता है क्योंकि हादसे कभी भी हो सकते हैं। ओए गप्पू, कहीं ये पानी में डूब ना जाए। इसके खुद की लाइफ की गारंटी नहीं, चला है दूसरों की लाइफ गार्ड करने। ओए, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद और ये सब क्या जाने लाइफ गार्ड की बात। मेरे आइडल के सामने मेरी इतनी छोटी इंसल्ट कर दी। लगता है आप मेरा ऊपर जाने का वक्त आ गया है। सर्किट, हमारा तीर निशाने पर लगा है यार। ये सब भेज के हम उसे चने के पेड़ पर चढ़ाएंगे और अपने प्लान को अंजाम देंगे यार। मिस्टर शार्को, आपके लिए कुरियर है। अपना अंगूठा लगा दो प्लीज, आपका दिन शुभ हो, हमने चाहा तो। क्या हो सकता है इसमें? ओए, ये तो मेरा फेवरेट लाइफगार्ड डेविड स्मिथ है। अब देखता हूँ कैसे कोई मेरा मजाक उड़ाता है। शार्को को क्या हुआ? स्नोमैन से सुपरमैन कैसे बन गया? देखा मेरे भजिए जैसे भेजे का कमाल। भाई थोड़े से तारीफ के फूल हम पर भी बरसाओ। चल चल ये पहन ले वरना भीग जाएगा। ओए, लगता है वहां कोई डूब रहा है। अरे जब तक मैं बचाने के लिए नहीं आ जाता तब तक डूबना नहीं। अब मैदान साफ है। हे मरीना, खाऊंगा तुम्हें लगा के धनिया पुदीना। शार्को जान बचा रहा है या उसकी जान निकाल रहा है? अच्छा तो इसके पीछे तेरा दिमाग है? बोले तो भाई मार खाने में तुम एकदम एक्सपर्ट हो गए हो। चलो पानी से बाहर निकलो। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। अरे भाग के कहाँ हो? लाइफ बलून तो पहन लो। मेरे मना करने के बावजूद तुम पानी में आए। चलो अब जाओ। पापा, मेरा तो दम ही निकल गया। ये देखो, सबकी लाइफ सेव करने के चक्कर में खुद ही अनसेफ हो गया। अच्छा है यार। कैसे हो शार्को? ऐसे पहन लो। बड़ा आया मैडम जी को खाने वाला। अरे शार्को, इनकी लाइफ बचा रहे हो या इनकी परेशानियां और बढ़ा रहे हो?
ये शार को आखिर खुद को समझता क्या है? मैडम जी, आपको यूं अकेले पानी में नहीं तैरना चाहिए। चलिए मैडम जी, सबके साथ चलिए। तुम मजाक कर रहे हो है ना? नहीं, चलिए वहाँ चलिए। योगी, बेचारे कैदियों की तरह लग रहे हैं। मुझे कैदी नहीं बनना। नहीं चलेगा, कोई बहाना। चलिए बाहर निकलिए। मरीना, चलो मेरे साथ। ये फिर से आ गया। जग, महंगी पड़ गई तेरी जिद। ये आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? चलो मैं इसका माइंड डाइवर्ट करती हूँ। अरे मरीना, इसके पास माइंड ही नहीं है तो डाइवर्ट क्या करोगे, बताओ ना। बोले तो ये शार को बहुत उड़ रहा है, अब मैं इसकी हवा निकालता हूँ। ओए, ये सब एक साथ डूब जाएंगे, इन्हें एक साथ कैसे बचाऊं? ओए, कोई डरना नहीं, मैं आ रहा हूँ सबको बचाने। चलो एक एक करके सब किनारे पे जाओ। शार्को, ये क्या हो रहा है? देख लूंगी शार्को के बच्ची को। भाई, तुम अकल के अंधे तो थे ही, अब आंखों से भी अंधे हो गए। यार ज्यादा मत बोल, मेरे साथ चल। थोड़ी ही देर में ये सूख जाएंगे। मैडम जी कहाँ चले गए? ओए, कहीं जिग ने मैडम जी को खा तो नहीं लिया? मैडम जी को मैं बचा नहीं पाया। लाइफ गार्ड होकर भी मेरा कोई मतलब नहीं। मैडम जी मुझे माफ कर दो। कहते हैं घम आंसू बनकर बह जाता है, लेकिन शर को क्या सोने तो सबको बहा डाला। बुरा नहीं है, मेरे पेट में तो चूहे डिस्को कर रहे हैं यार। अब तो मुझे हर जगह मरीना ही मरीना नजर आ रही है यार। हाय जग। वाव, सोने तो सुहागा हो गया यार। कुआं खुद पैसे के पास आ गया। ओह, कितना प्यारा है ये। अरे जग की आवाज। ओह, ये गेम भी मैं ही जीत गई। मैडम जी कैसी हैं आप? हम तो सिर्फ गेम। ये मैं क्या देख रहा हूँ यार? मैडम जी मुझे माफ कर दीजिए। देखिए ना, मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे। मैडम जी आंसू खत्म हो गए। बस कर पगले, मुझे तो तुमने हंसा दिया। तुम बहुत प्यारे हो। थैंक यू मैडम जी। इसे आज पत्नी गली पकड़ने की बजाय बॉक्स पकड़ के क्यों चल रहा है? लगता है ये फिर से शुरू हो गया। सिर्फ मुंह लटकाने से क्या होगा, अब पूरे के पूरे ऐसे ही गले में लटके रहो। मुर्गे की बांग सुनी थी, लेकिन सांपों का अलार्म पहली बार देख रहा हो। यही है डिजिटल शहर का कमाल। जल्दी जल्दी नहा के घूमने जाऊंगी। इतना अच्छा ब्रेकफास्ट। अफो, लेकिन मैं चार्जिंग पर हूँ। इतनी सुबह सुबह कौन आया? हेलो मैडम जी। ओह शार्को, जरूर आज भी ये मशीन खराब होने का बहाना करके यहाँ कपड़े धोने आया होगा। हेलो मैडम जी, मेरी मशीन खराब हो गई है, इसीलिए मैं कपड़े धोने के लिए यहाँ आ गया। ये कपड़े धोएगा और मैं करूँगा नाश्ता। जोरों की भूख लगी है, कुछ खा लेता हूँ। जरा सा करेले का जूस और माइंड फ्रेश, बस आ गया आराम भरी जिंदगी। अब तो ये दो दिन बाद ही बाहर निकलेगा। मरीना फिकर नॉट, मैं हूँ ना यार। हाय ग्रेग। हाय, बाय, बाद में। पहले मुझे तुम्हें लेके उड़ना पड़ेगा यार। वाह, बिना गैस के एयर बलून बनाने का अच्छा तरीका है। अरे शार को अपनी आंखें खोल, जिग मरीना को उड़ा के ले जा रहा है।
ओ मरीना, हमारे प्यार के घर में तुम्हारा स्वागत है। ये घर कम खंडर ज्यादा लग रहा है। कॉकरोच और चूहे खुलेआम घूम रहे हैं। फोटो पर भी मक्खियां बिन-बिना रही हैं। इतनी गंदगी, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। मेरे पेट में जाकर बाकी की जिंदगी बिताना यार। बस बहुत हुआ, मुझे बाल्टी लेके इनका ब्रेन वॉश करना पड़ेगा। डोज खत्म हो गया। मैडम जी, मैं आ रहा हूँ। योगी, पहले हमें इस ड्राइंग रूम का होलिया चेंज करना पड़ेगा। जग, मत कर जग, वरना इस बार भी तुझे मरीना की जगह मार खा के ही पेट भरना होगा। मैंने बोला था। मैडम जी चलिए, जब देखो वो जिग आपको खाने की कोशिश करता है। देखो शार्को, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगी। ओ शार्को, अब आए हैं तो इसे सुधार के ही जाएंगे, प्लीज। ये कबाड़ किसी काम का नहीं है, और साथ में ये चिड़ियाघर भी। शार्को, ये कूड़ा कचरा बाहर फेंक दो। जो मैडम जी कहेंगी मैं वही करूंगा। और क्या हुक्म है मैडम जी? भाई बोले तो हमारे घर के कीमती कचरे पर अभी ये बंदर ऐश करेंगे। भाई कचरे के बिना घर कितना सुना सुना लग रहा है यार। भाई बोले तो टेंशन नहीं लेने का, तुम्हारी ये मक्खियों के साथ वाली फोटो मैंने संभाल कर रखी है। इन्हें देख के मेरी जान में जान आ गई। जा जा पेछे, वो सारे भरने पड़ेंगे। लेकिन मेरा पेट कब भरेगा मरीना? काटोगे भाई? मैडम जी ने सारे पेज भरने को कहा है। इसे लगता है कि दुनिया में अकेला ही स्मार्ट है। सर को किसे बता दे कि हम भी किसी से कम नहीं है यार। ओह जेक, तुम्हें जरा देख के चलना चाहिए था। मेरे ख्याल से ये प्लेन काफी ऊंचाई पर है, इसे तो जमीन पर होना चाहिए। ऐसा कहते ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। बाल बाल बच गए भाई। थैंक यू मरीना। ये आखिरी पेच रह गया था। शार्को, इन्हें समझाओ। जियो तो शान से, रहो तो शान से। मैडम जी, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद और जेक क्या जाने रॉयल लाइफ की बात। ओए थोड़ा तो सुधर जा, मुझे सफाई से एलर्जी है। ये कपड़ों वाला हैंगर कितना अच्छा है। बोले तो यहाँ से लगता है अपना दाना पानी उठने वाला है। इन्होंने तो पूरे घर का काया पलट कर दिया। भाई बचाओ भाई, अचानक दिन में रात कैसे हो गई? खारे पानी में रहने वालों को मीठे पानी से एलर्जी होती है, वैसे ही कचरे में रहने वालों को महलों जैसी सफाई रास नहीं आती। सर्किट घर घर न रहे, दुश्मन दुश्मन न रहे। जेक, चप्पल का इस्तेमाल सिर्फ खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए भी करते हैं। बोले तो इतनी सफाई से मेरा दम घुट रहा है भाई। शुक्र है मेरे पास पुराना मक्खियों वाला फोटो तो है ना यार। कम से कम इसे तो बख्श दे। हाँ, मैं कब से इस टेबल के बारे में सोच रही थी। एक आखिरी उम्मीद थी, उसे भी तोड़ दिया। बस बहुत हुआ, तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ यार। भाई जोश में होश को बैठे, मरीना को क्यों निकाल दिया? ये मैंने क्या कर दिया यार? हैप्पी वाला बर्थडे शार्को। ओए डॉगी की पोछ कभी सीधी नहीं हो सकती। इस गेम में तो बड़ा मजा आ रहा है जेग। ओए जेग खबरदार, जब मैंने उसी को खाने की कोशिश की तो। ओए रुक जा, भाग तक है। क्यों अपना सिर फुड़वाना चाहता है यार? हमारा पीछा छोड़ दे। ओए, चाहे तेरे घर का सारा सामान टूट जाए, लेकिन मैं तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। मरीना को लेकर इतना मत भाग जेग, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी बेग। मैं इतनी आसानी से तेरे हाथ नहीं आऊंगा यार। ओए, मुझे तो पहले से ही पता था, दाल में कुछ काला है। इस खेल में तो मजा आ रहा है। मैडम जी, बच गई। जल सर्किट, शार्को को जरा छोटी मोटी वॉक कराते हैं। इसीलिए कहते हैं, दिखावे पर मत जाओ, अपना अपना दिमाग लड़ाओ। क्या बात है, मैंने सबका सफाया कर दिया। क्या बात है, ये तो पार्टी मना रहे हैं, क्योंकि मैं भी आ रही हूँ। ये कौन सा सुर छेड़ रहा है?
ज्यादा उड़ मत, तेरे हेलीकॉप्टर में है पेट्रोल की बजाय पानी, और अब याद आने वाली है तुझे नाने। ओए आली राली, आता तुझी बारी, बच गया। पूरे घर का सामान फ्री में आ गया, बन गया हमारा कंप्लीट होम। अब हम पार्टी करेंगे। ओए पार्टी, वो भी मेरे बिना? सर्किट, मेरा फोटो मिल गया यार। भाई टेंशन नहीं लेने का, बोले तुझे होता है ना, वो अच्छे के लिए होता है भाई।